राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागने से राजभवन में भारतीय पुलिस सेवा के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। प्रशिक्षु अधिकारियों से ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का किया आह्वान। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागने ने राजभवन में भारत स्काउट गाइड के 75वें स्थापना दिवस की स्मृति पर निर्मित स्टिकर का किया लोकार्पण। युवाओं को संगठन से निरंतर प्रेरणा लेते हुए विकसित भारत में योगदान देने का किया आह्वान। सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे चरण के तहत उद्योग राज्य मंत्री के विष्णोई के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न कंपनियों के साथ की बैठक। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत निवेश करने के लिए किया आमंत्रित। राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कल जयपुर में होगी आयोजित। 205 निवेश एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। चित्तौड़गढ़ में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन का काम 9 नवंबर से होगा शुरू। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया, ग्राम सभा और वार्ड सभा का किया जाएगा आयोजन। विधानसभा उपचुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफलता पूर्वक निष्पादन के लिए एरिया मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के लिए मुकेश चंद मीणा और चिखली के लिए नरेंद्र साहू को नियुक्त किया गया। जयपुर में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। विभागीय योजनाओं की प्रगति की गई समीक्षा। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु की अध्यक्षता में सोलर प्लांट प्रतिनिधियों की बैठक हुई आयोजित। सोलर कंपनियों से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का किया आह्वान। बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दांतिल गांव में लगाई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों की सुनी समस्या, अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने चाहिया में की जन सुनवाई। ग्रामीणों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मानस अभियान के तहत आयोजित कबड्डी मैच को भी देखा। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई आयोजित। चिन्हित ब्लैक स्पॉट के समाधान पर शीघ्र कार्रवाई करने के दिए निर्देश। बालोतरा में स्वस्थ नारी चेतना अभियान की हुई शुरुआत। महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति किया जा रहा है जागरूक। बालोतरा जिला पुलिस ने ऑपरेशन मदमस के तहत अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर की कार्रवाई। आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरण किए दर्ज। बाड़मेर में डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत की 72 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स की बरामद। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। और बीकानेर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में राजस्थानी फैशन शो प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। महिलाओं ने लिया भाग।